तो ये पर्सनालिटी की जो दूसरी टाइप है वो एक्टिवेटर टाइप है। इसको हम उर्दू में कह सकते हैं कि अमल के लिए बेचैन शख्सियत, ऐसी शख्सियत के अफराद जो हर वक्त अमल में रहना चाहते हैं, आज का काम अभी शुरू करना चाहते हैं, वो लोग जो नताइज पे नज़र रखते हैं और जो प्रोसेस है उसको छोड़ देते हैं। नताइज उनके लिए सब कुछ होते हैं, तो वो जो अचीवमेंट्स होती हैं वो उनके पीछे इस तरह लग जाते हैं कि वो हर वक्त काम में लगे रहने वाले लोग होते हैं। इस किस्म के अफराद आज का काम अभी करने वाले होते हैं, ये टीम वर्क में भी यकीन रखते हैं और इस हिसाब से वक्त का हिसाब भी रखते हैं कि हमने वक्त ज़ाया तो नहीं किया। तो इनके लिए वक्त ज़ाया करने से बड़ी कोई चीज़ जो है वो नहीं होती, तो ये वक्त ज़ाया करने से कतराते हैं और इस हिसाब से ये जल्दबाज भी होते हैं। तो इनके साथ मिलजुल के काम करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये अफराद अपनी शख्सियत में इस तरह से बने होते हैं कि ये अमल करके ही, नतीजा हासिल करके ही रिलैक्स होते हैं। इस किस्म के अफराद को एक्टिवेटर कहा जाता है। अगर आपकी शख्सियत इस हिसाब से है कि आप हर वक्त अमल में आज का काम अभी करने वाले हैं, वक्त पर टालने वाले नहीं हैं, तो आपको मार्केटिंग एंड सेल्स के रिलेटेड शोबाजात या मिलिट्री अकेडमीज जैसे कि इंटरमीडिएट लेवल पे ही, मैट्रिक लेवल पे ही या ग्रेजुएशन लेवल पे ही आप मिलिट्री की किसी भी टाइप में चले जाएं, या फिर अपना कारोबार शुरू करें, या फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में जाके डायरेक्टरशिप पे आप काम कर सकते हैं। तो ये इस तरह के शोभा जाते हैं, मीडिया स्टडीज़ हैं या मार्केटिंग एंड सेल्स है या कारोबार बिजनेस है या उसके अलावा मिलिट्री जो ट्रेनिंग्स और कोर्सेज होते हैं वो आपके लिए मुफीद रहेंगे। अगर आपकी ये शख्सियत है एक्टिवेटर टाइप की, तो आप अपनी शख्सियत के हिसाब से ये मुनासिब फील्ड्स या डिपार्टमेंट्स सेलेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू।